गुड मॉर्निंग भैया, चलिए आ जाइए सभी बच्चे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आ जाओ भाई। चलिए बताइए कौन सा क्वेश्चन भैया चल रहा था हमारा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था? ग्यारह तक हो गया था ना, 12 से स्टार्ट करना है। गुड मॉर्निंग भैया सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं? ठीक, अच्छे ही रहे, घर में रहें, पढ़ाई करते रहें। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको हमको सॉल्व करना है भैया। देखिए क्या कह रहा है, सत्यापित करना है, यानी ये सिद्ध करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये किसके बराबर है? 1/2, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी बच्चे जो है नोट कर ले अपनी कॉपी पे। ठीक, तो हमने बताया था, देखो इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए भाई, क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, माइनस 3xyz बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करना है, हल करके सत्यापित करना है भैया। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने बताया था ये बराबर लगा हुआ है ना बीच में, तो ये पक्ष हो गया हमारा बायां पक्ष, ये हो गया दाया यानी LHS और ये हो गया RHS। ठीक है, तो हम एक पक्ष को हल करके ये लाना है। ठीक, अगर देखिए इसको हम हल करते हैं, RHS वाले को हल करें और ये लाए। ठीक है, तो RHS वाला जो पद हल करेंगे तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, जो पद लिखो हल करो ना उसको लिखो RHS और उसको यहाँ पे नोट करो, यानी कितना है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस क्या है जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही है कि नहीं? मतलब इसको जो हम सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये आ जाना चाहिए। ठीक है, जब ये आ जाएगा तो RHS बराबर RHS हो जाएगा हमारा। तो हम RHS से कर रहे हैं ना, तो चलो देखो पहले क्या करें, देखो यहाँ पे इसको तो बाद में करते हैं, यहाँ पे देखो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, सभी में फार्मूला लग रहा है ना, सब सम का यूज हो रहा है तो उसको हम लगा देते हैं भैया। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा जेड हो जाएगा। ठीक, बड़ा बड़ा के लगा लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर क्या एक्स है ना, प्लस बी स्क्वायर क्या है वाई स्क्वायर माइनस 2xy ये हो जाएगा। बताओ भाई ये हो जाएगा कि नहीं? नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रही भैया? बताएं सभी बच्चे, बताएं आवाज जो है साउंड जो बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? साउंड जो है सभी को सुनाई दे रहा अच्छे से? हाँ ठीक है, देखो जियो वाला कुछ दिक्कत कर रहा है आज। ठीक है, तभी नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे राजन, जियो वाला जो है आज कुछ दिक्कत कर रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लिया। ठीक, फिर उसके आगे
अब उसके आगे देखो यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस लगा लो भैया, ठीक प्लस है, हमने प्लस लगा लिया। क्या है वाई माइनस जेड, इसमें भी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो वाई स्क्वायर यानी पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग और माइनस क्या था टू ए बी यानी टू वाई जेड हो जाएगा कि नहीं। देखो अगर यहाँ पे माइनस होता तो इधर वाला जो भी हमने यहाँ पे फार्मूला खोले हो सब सम का, तो हम इसको ब्रैकेट में रखते, समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि माइनस के बाद में जितने भी पदों सब ब्रैकेट में रखा करो, यहाँ पे प्लस है तब तो कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है क्यों नहीं, क्योंकि अगर माइनस चिन्ह होगा और ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक। तो माइनस चिन्ह जब हो जाएगा ब्रैकेट लगाओगे तो जब ब्रैकेट हटता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे प्लस है तो हमने प्लस लगा लिया, अगर माइनस होता तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसका फार्मूला खोलते, ठीक। अब देखो प्लस है तो प्लस लगा लिया ना, अब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा यानी जेड स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स, इतना हो जाएगा कि नहीं, माइनस टू ए बी, ठीक इतना सभी का हो गया। चलो आगे देखो, ये हो गया हमारा वन बाई टू यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, प्लस प्लस के हैं, इनको जोड़ लो कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर ये है, वाई स्क्वायर ये है कि नहीं, इसको भी जोड़ दो कितना हो जाएगा टू वाई स्क्वायर। अब देखो जेड ये भी है, जेड ये भी प्लस के, जोड़ लो कितना हो जाएगा टू जेड स्क्वायर, ठीक। फिर ये आ जाएगा हमारा टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस कितना हो जाएगा टू जेड एक्स, कितना हो जाएगा कि नहीं, ठीक। अब देखो इसमें जो है सभी में दो कामन मिल रहा है, तो इसको यहाँ से दो कामन का अगर हम कर लें, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से क्या कामन मिल रहा है दो, अब इनके इनके बीच में गुणा है तो यहाँ पे गुणा दो लिख सकते हो, दो कामन अगर जब कर लिया है तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इतना बचेगा कि नहीं। अब देखो ये जो हो जाएगा वन बाई टू, ये है नीचे दो है ना, और ये क्या हो गया आपस में कट गया, ठीक। तो क्या बचा हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब जरा यहाँ पे दिमाग लगाना है, यहाँ पे लगाइए कि ये जो हो गया ये किसके बराबर आ गया, ये कुछ दिख रहा है भाई, कुछ सौ सम का कुछ दिख रहा है, बताओ दिख रही है कि नहीं, यानी एक ब्रैकेट में है x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये जो होती है सरसम का किसके बराबर होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड के बराबर होती है कि नहीं, बताओ। तो सभी लोगों ने सरसम का निकाली थी, तो मतलब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हो गए हमारे किसके बराबर हो गए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, इसी के बराबर हो गए। इसको हमने जब हल किया तो क्या गया एलएचएस वाला पक्ष आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई एलएचएस बराबर आरएचएस, इतना समझे कि नहीं, ठीक हाँ इतना समझे कि नहीं। अब यहाँ पर देखो ना, अगर इसको और तरीके से अगर आगे हल कर सकते कोई दिक्कत नहीं, आगे हल कर लेते ना, इसकी आगे गुणा कराते ना, पहले x की गुणा सभी के साथ कराते, फिर y की सभी के साथ कराते, फिर z की सभी के साथ कराते, तो फिर देखते उसमें क्या कट रहा है क्या, ठीक है तब भी आ जाता तुम्हारा, तुम्हारा है कि नहीं, करा लेते ना, ठीक। समझे, तो वो वैसे भी लगा सकते थे कि नहीं, और अगर ऐसे यहां पर भी नजर जाए तो हमको दिख रहा है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ये जो होता है किसके बराबर होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग, ये तो होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी मतलब एक्स वाई माइनस बी सी मतलब वाई जेड माइनस सी ए मतलब जेड एक्स, ठीक। तो ये जो होगा पूरा इसके बराबर होता है और यही हमको एलएचएस में लाना था, तो हमारे एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, ठीक। इतनी बात समझ में आए सभी को, चलिए नोट कर लीजिए। नोट हो गया भैया,
ठीक, चलो बहुत अच्छे। अब इसके आगे जो अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 है हमारा, ठीक है, नोट कीजिए सभी बच्चे। अब चलो क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 13 पे, ठीक, इतनी बात तो सभी को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 जो, उसको नोट करो, अगर इसको वैसे हल करते तो इसकी गुणा एक से पहले साथ कराते, ठीक है, समझा कि नहीं, फिर वाई की कराते, फिर कटता पिटता देखते क्या होता, तब भी आ जाता। और अगर दिमाग में ये हो कि सब सम का अगर नजर आ जाए तुरंत रख दो, हमको पता होता ना ये इसके बराबर होता है, कहने का मतलब ये हो गया, अभी बता रहे हैं। सभी को पता है कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम करें तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है कि नहीं, मतलब अगर किसी को हल करें और लास्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो होता है इसके बराबर होता है ना, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही उसको हमने हल किया और हमको पता था कि वो सर्व सम का किसके बराबर थी, ठीक है, इतना बात जो है सभी को क्लियर है ना, इतनी सी बात। चलो क्वेश्चन नंबर 13 इसको लगाते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे नोट करें, क्या है, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, 0 है, ठीक है, तो ये दिखाइए, तो दिखाइए कि क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, ये हमको सिद्ध करके लाना, ठीक। क्वेश्चन सभी का नोट हो गया, एक बार बता दें, क्वेश्चन जो है सभी का नोट हो गया है, ठीक। चलो ध्यान से देखना थोड़ा, चलो देखो ध्यान से देखो, इधर कह रहा है भाई कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है हमारा 0 दिया हुआ है, ठीक, तो हमको क्या सिद्ध करके लाना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, ठीक। चलो देखो, पहले इसको हम दो तरीके से भी कर सकते हैं, पहले अगर हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड उतार लें बराबर क्या है, 0 है ना, अगर हम जेड को इधर ले जाएं भैया तो प्लस का इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, यानी एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पे क्यूब की अगर बात हो रही है तो दोनों तरफ अगर हम घन कर दें, यानी दोनों ओर घन करने पर, तो जब हम घन करेंगे इधर तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा बराबर माइनस जेड का होल क्यूब, इतना हो जाएगा। अब इसमें जो हो जाएगी हमारी सर्व समका लग जाएगी, कौन सी, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब, ये तो होता है, प्लस बी क्यूब मतलब वाई क्यूब हो गया, प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी बराबर, इधर माइनस जेड का क्यूब करोगे तो माइनस जेड क्यूब हो जाएगा कि नहीं, इतनी बात यहाँ तक सभी को समझ में आई, बताइए भाई, इतनी बात आ गई सभी को, ठीक, मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, ठीक। चलो आगे, अब देखो इसको हम कर लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इसका घन करोगे, इसको लिखेंगे वाई क्यूब, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3xy, इतना लिख सकते हो। अब जरा ये देखिए कि एक्स प्लस वाई जो है इसकी जगह पर हम कुछ लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स प्लस वाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है किसके बराबर है बताइए, प्रूव करने में दिमाग में सब चीज आनी चाहिए, पूरा का पूरा कैलकुलेशन दिमाग में पहले ही हो जाना चाहिए, तभी आगे कर सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे किसी चीज को अगर हम सत्यापित कर रहे हैं या सिद्ध कर रहे हैं तो उसमें जो है कैलकुलेशन पहले माइंड में हो जानी चाहिए, तभी आएगी मैथ, क्योंकि जब त्रिकोणमित के क्वेश्चन करोगे तो उसमें अगर माइंड फास्ट नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बताओ भाई एक्स प्लस वाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पे चेंज हो जाएगा हमारा कुछ, बताओ किसी को पता है, हाँ या ना का जवाब दो फिर हम बताएं, जीरो जीरो नहीं लिखेंगे भैया, जीरो नहीं लिखेंगे, देखो इधर देखो,
ये जीरो हम कब कब लिखते, जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता। यहाँ पे सिर्फ एक्स और प्लस वाई है ना, तो ये जो है ये जीरो के बराबर है, लेकिन हमारा एक्स प्लस वाई जो है हमारा किसके बराबर है? देखो एक्स प्लस वाई जो है हमारा किसके बराबर है? माइनस जेड के बराबर है। हम इसको इधर ले गए ना, तो एक्स प्लस वाई जो है हमारा किसके बराबर है? माइनस जेड के बराबर है। तो हम एक्स प्लस वाई की जगह पर क्या ले सकते हैं? माइनस जेड ले सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये जो इसके बराबर है, इसको अच्छा अगर हम समीकरण नंबर एक मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, आगे वही उतार लो, माइनस जेड क्यूब का हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर एक से, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर कोई भी चेक करेगा तो यहाँ पे अगर एक्स प्लस वाई बराबर ये रखे हो तो तुरंत यहाँ पे दिमाग चला जाएगा, उसकी नजर चली जाएगी और वो समझ जाएगा कि एक्स प्लस वाई बराबर जो है माइनस जेड के बराबर है, इसलिए बच्चे ने यहाँ पर ये रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया जाता है जो चीज यहाँ से चेंज करो। समझ आ रहा है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? यानी एक्स प्लस वाई जो है किसके बराबर है? माइनस जेड के बराबर है ना। तो हम एक्स प्लस वाई की जगह पर लिख सकते हैं कि नहीं? ये दोनों आपस में बराबर है तो अपना स्थान चेंज कर सकते हैं। अगर यही चीज हम माइनस जेड की जगह पर अगर देखते तो माइनस जेड जो है एक्स प्लस वाई के बराबर है, तो माइनस जेड की जगह पर एक्स प्लस वाई लिख सकते थे। लेकिन लिखना हमको क्या है? एक्स प्लस वाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं? माइनस जेड। इतनी बात सभी को यहाँ से क्लियर है? बताओ भाई। ठीक, फिर आगे देखो, ये हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस हो गया वाई क्यूब, कितना हो गया? ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर? ठीक, चलो नेटवर्क समस्या भैया राजन, तो वो क्या ना उसमें जियो वाला गड़बड़ कर रहा होगा, आज थोड़ा दिक्कत में है। ठीक है, किसी से वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए। चलो देखो आगे, प्लस और माइनस की गुणा अगर कराएं तो माइनस होगा थ्री एक्स वाई, और जेड की गुणा कराएंगे थ्री एक्स वाई जेड हो जाएगा, बराबर क्या होगा? माइनस जेड क्यूब। अब जेड क्यूब को इधर लाना है, थ्री एक्स वाई जेड को उधर ले जाओ भाई, तो ये इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या हो जाएगा? जेड क्यूब, और उसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? थ्री एक्स वाई जेड। यही सिद्ध करके लाना था, यही लाना था कि नहीं? बताओ भाई, प्रूव्ड हो गया हमारा, यही करके लाना था ना, क्योंकि यही तो लाना था, यही दिखाना था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो होता है वो थ्री एक्स वाई जेड के बराबर होता है। इतनी बात सभी को समझ में आई यहाँ तक? बताओ, इतनी बात जो है सभी को समझ में आई यहाँ तक? बताइए, आई ना? ठीक, चलो देखो दूसरी तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। सभी को पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड बराबर जो होता है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके बराबर होता है। सभी को पता है ना? ये तो सर्व सम का सभी को पता है, ठीक है, कि इसके बराबर होता है। ठीक, अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो जीरो दिया है, अगर हम इसकी जगह पर क्या रख देंगे भैया? जीरो, और इसके इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो जीरो के साथ किसी की भी गुणा करोगे तो पूरा का पूरा ये पोर्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा कि नहीं? मतलब ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। अब इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? थ्री एक्स वाई जेड हो जाएगा कि नहीं? तो ये भी देखो सिद्ध हो गया। ऐसे भी कर सकते थे, कर सकते थे, यहां तक किसी को दिक्कत है? ऐसे भी तो कर सकते थे ना, ठीक है, क्योंकि सर्व सम का को हमको पता ही है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड वहां पर जीरो दिए है, तो हमने यहाँ पर जीरो रख लिया, और जब जीरो रखा तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो के साथ इसकी गुणा करोगे तो जीरो आएगा ना, तो ये जीरो हो गया। अब थ्री एक्स वाई जेड को इधर ले जाओ, माइनस का प्लस का हो जाएगा, बस। समझ आ रहा है कि नहीं? तो दोनों तरीके से कर सकते थे, ठीक है, तो वो तो आना ही चाहिए, तो बड़ा ईजी, इसमें भी आना चाहिए। ठीक, समझ आ रहा है? तो ये वाला नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए भाई, चलो भाई नोट कर लो। ठीक है, अभी ये जरा क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि इसके आगे जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोसेस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे 14 नंबर क्वेश्चन बताते हैं।
नोट हो गया सभी का? चलो ठीक, आगे क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 14, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलो 14 नंबर क्वेश्चन जो है कि यह कह रहा है, इसको नोट कीजिए, कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, मतलब घनों का जो है ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें सीधा घन नहीं निकालना है, ठीक है, सीधे ऐसे क्यूब करके फिर उनको मत जोड़िए जोड़िए। ये कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान निकालना है, समझ में आ रहा है? तो मतलब ये किस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये आ गया 94 का स्क्वायर निकालना है, तो सीधे नहीं निकालना है हमको, इसको सर्वसमकाल से यूज करके निकालना है ना। तो इसको हम लिख सकते थे 100 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक, तब हम निकाल सकते थे, ठीक है। इसमें भी वही कह रहा है कि घन जो वास्तविक घन दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन नहीं करना है, मतलब क्वेश्चन पहले नोट कर लो भाई, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना मान ज्ञात करो, ठीक है। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, -12 का क्यूब है +7 का क्यूब हो गया +5 का क्यूब है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है भैया, 28 का क्यूब है +-15 का क्यूब हो गया +-13 का क्यूब हो गया। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, समझ रहा है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सीधे मतलब घनों का परिकलन नहीं करना है, मतलब यहाँ पे सीधे घन नहीं करना है। सीधे कहने का मतलब इसका घन कर दोगे, इसका घन कर दोगे, इसका घन कर दोगे, जोड़ घटा लोगे तब आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये नहीं करना है, सर्वसम का लगानी, मतलब जो पहले क्वेश्चन हल किए हो, जैसे 94 का होल स्क्वायर ऐसे निकाले थे, अब इसका वर्ग निकालो तो क्या करोगे, इसका अगर, ये भी तो कर सकते थे हम, 94 × 94 ऐसे कर सकते थे कि नहीं, ठीक। तो सीधे नहीं करना है, इसको हमने सर्वसम का लगाई थी ना, इस पर क्या सर्वसम का लगाई थी, 100 से 100 के आसपास देखा था, तो 6 से 6 कम है ना, इसका स्कोर कर दिया था, तो हमने 100 समका से इसको यूज कर लिया था, ठीक है, निकाल लिया था कि नहीं। तो वैसे भी इसमें भी कह रहा है कि मतलब वास्तव में जो घनों का परिकलन नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं कि -12 का घन कर दो, 7 का घन कर दो, 5 का घन कर दो, फिर जोड़ दो, वो तो अंकगणित का सवाल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमको सर्वसम का यूज करनी है, वो तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे ये चीज समझना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोग, बताओ क्वेश्चन जो है समझ में आ गया, क्या कह रहा है क्वेश्चन जो है, सभी को समझ में आ गया? बताइए, आ गया ना? हाँ ठीक, मतलब सीधे नहीं घन करना है हमको, कुछ सर्वसम का यूज करके इसको हल करना है भाई, ठीक है। आंसर वही आएगा सेम, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में जो है, अब उत्तर जो है उसमें वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, सुनवा रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो भाई कैसे करेंगे हम ये जरा देख लेते हैं। देखो अभी हमने जो है थोड़ा कायदे से देखना, अभी जो हमने एक सर्वसम का यूज की थी उसमें क्या यूज किया था, अभी इसके पहले, जस्ट इसी के पहले जो एक क्वेश्चन लगाया था, एक ये क्वेश्चन लगाया था कि x + y + z अगर 0 के बराबर दिया हो तो x³ + y³ प्लस जेड क्यूब जो होगा 3xyz के बराबर होगा, ये क्वेश्चन किया था कि नहीं भी? अभी किया था ना, ये हमने सिद्ध करके भी दिखाया था ना, ये भी किया था, ये होता ही है, तो हमारा है जो चीज सिद्ध मतलब हो जाए वो क्या हो जाती है, हमारी प्रमेय हो जाती ना, मुहावरा है, प्रमाण से सिद्ध हो जाए हमारी वही प्रमेय हो गई। देखो
देखो अगर इसमें जो है हमने अभी क्वेश्चन किया था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है अगर जीरो के बराबर है तब उस कंडीशन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, थ्री एक्स वाई जेड होगा कि नहीं, ये होगा। अब कैसे होगा ये भी तो देख लो, ये भी हमने बताया था, हालांकि फिर बता दे रहे हैं कैसे होगा, क्योंकि हमको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ठीक है माइनस थ्री एक्स वाई जेड बराबर जो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में कर लो दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इसके बराबर होता है। ये सब सबका पता है ना, ये पता है इसके बराबर होता है कि नहीं। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये कंडीशन दी थी, ये क्या दी थी हमारी, जीरो दी थी। तो जीरो के साथ जब इसकी गुणा कराओगे तो पूरा का पूरा पोर्शन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड ये हो जाएगा। अब इसको जब उधर ले जाएंगे तो थ्री एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा, बराबर थ्री एक्स वाई जेड ये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, मतलब क्या हम समझ रहे हैं कुछ इससे सिस्टम जो समझ में आया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है जब जीरो के बराबर होगा तब ये चीज आ जाएगी हमारे पास, यानी जब ये जीरो के बराबर हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हम सीधे रख सकते हैं क्या, थ्री एक्स वाई जेड कर सकते हो कि नहीं। ये चीज अभी किया था, वही चीज इसमें भी करना है। एक्स क्यूब का मतलब पहला पद, वाई का मतलब दूसरा पद, सी का मतलब तीसरा पद। यहां पे जरा नजर डालिए डालिए, पहला पद क्या है माइनस बारह, दूसरा पद क्या है सात है, तीसरा पद क्या है हमारा पांच है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही कि नहीं यहां तक, ठीक है दिमाग अभी यहीं पर आ जा रहा है क्वेश्चन। देखिए ये अब समझ आ गया ना कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है अगर जीरो के बराबर है तो ये जो होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब थ्री एक्स वाई जेड के बराबर होगा। ये चीज हम कर भी चुके हैं और ये पता भी है सभी को, ठीक है इसको तो हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब यहां पे देखो भाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इसका मतलब हो गया ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये क्या हो गया तीसरा पद, ए बी सी। ठीक है, यानी x प्लस वाई इसको समझ लो फिर क्वेश्चन करो, x प्लस वाई प्लस जेड, x का मतलब पहला पद a, b का मतलब y का मतलब दूसरा पद b और z का मतलब तीसरा पद c, यानी इनका अगर योग किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। यानी a कौन सा पद है, a जो है हमारा क्या है माइनस बारह है, घन नहीं देखना अभी। b क्या है हमारा सात है, c क्या है हमारा पांच है, यानी इन तीनों का योग किसके बराबर हो, जीरो के। यानी देखिए ए बराबर रखो माइनस बारह, बी बराबर रखो सात, सी बराबर पांच रखोगे तो जरा इसको देखो, सात और पांच बारह हो जाएगा, प्लस माइनस का बारह जब घटाओगे क्या बचेगा, जीरो। जीरो होगा कि नहीं होगा, तो मतलब ये चीज क्या लिखी है, ये चीज और ये एक ही चीज तो लिखी है, सेम लिखी है कि नहीं, कि मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, जीरो है। यहां पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। मतलब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड, मतलब जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो के बराबर होगा तब कौन सी कंडीशन होगी हमारे पास, वो सबका क्या आएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, थ्री एक्स वाई जेड ये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, इतनी बात सभी को क्लियर आई यहां तक। ठीक है, अब यहां पर रखो, x बराबर कितना है माइनस बारह का क्यूब प्लस y बराबर कितना है सात का क्यूब प्लस z बराबर कितना है पांच का क्यूब, वही चीज आ रही, इसी का तो मान निकालना हमको, तो सीधे नहीं करना है, बराबर किसके है थ्री इंटू एक्स, एक्स क्या है माइनस बारह गुणा वाई, वाई क्या है हमारा सात है, गुणा जेड क्या है पांच है। अब इसका ही तो मान निकालना, इसका मान इसके बराबर है तो इनकी गुणा कर दो ना भाई, प्लस और माइनस गुणा माइनस, यानी गुणा क्या हो जाएगी चिन्हों की, माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे गुणा करो, बारह और पांच की गुणा करो कितना हो जाएगा साठ हो जाएगा, और सात के यहाँ कितना हो जाएगा इक्कीस हो जाएगा, और इसकी जो हम गुणा करेंगे जीरो वाली, गुणा करना तो बड़ा आसान है, एक जीरो है उसको लगा लो, छह कम छह छह दो बारह, यानी कितना आ गया माइनस बारह सौ साठ आ गया, यानी इसका जो मान आएगा कितना आएगा माइनस बारह सौ साठ आ जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई, कैसे मतलब सीधे गुणा नहीं करना है, फार्मूला से यानी सब समका से निकालना है, इतनी बात जो है सभी को क्लियर है, बताइए। क्वेश्चन अभी ये नोट नहीं करना, अभी हम कायदे से लगवाएंगे तो बस समझाया है। ठीक, समझे कि नहीं, यहाँ पे भाई नजर देखो ना, अभी हम ये सिद्ध कर चुके थे क्या कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो के बराबर है तो ये कंडीशन होगी, होगी कि नहीं, ये वाली कंडीशन होगी बताओ, जब ये जीरो के बराबर है।
अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मतलब हो गया ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, यानी ए बी सी इनका योग किसके बराबर? जीरो। क्वेश्चन में क्या है? ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। क्यूब नहीं देखना है, जो अंदर संख्या वो देखो। पहला पद माइनस 12, दूसरा पद 7, तीसरा पद 5 है, इनका योग अगर जीरो के बराबर जब है तो ये कंडीशन हो रही ना, मतलब ये तो जीरो के बराबर है ही, तो जब ये कंडीशन होगी सीधा ये सम का लगा दो फार्मूला, समझेगी नहीं हा? सीधे सम का फार्मूला लगा दो, x का मतलब जो पहला पद है माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का, अब इनका ही तो इसका तो मान निकालना, इसको नहीं हल करना, ये किसके बराबर है? 3xyz के बराबर। एक्स वाई जेड का क्या है मतलब? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इनकी सबकी गुणा करो, तीन से गुणा करो आ जाए, समझ में आ रहा है? कर लोगे ना? तो इसको लगाएंगे कैसे, वो क्वेश्चन हम लगा दे रहे हैं उस कायदे से। इतनी बात जो सभी को समझ में आ गई ना, तो चलो देखो। चलिए भाई क्वेश्चन जो है लगाते हैं। क्या क्वेश्चन है? पहला माइनस 12 का क्यूब हो जाएगा प्लस 7 का क्यूब हो जाएगा प्लस वाई का क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो है, होता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा वो 3xyz के बराबर होगा। इतनी बात हमको पता है, ठीक। तो मतलब अब x का मतलब x बराबर हो गया हमारे पास माइनस 12, y बराबर हो गया हमारे पास 7 और z बराबर कितना हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड हम निकाल लें, क्योंकि इनका जब योग जो है यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, यानी माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 जीरो के बराबर है कि नहीं? 7 × 12 प्लस माइनस के 12 करोगे जीरो आ जाएगा, मतलब जब ये जीरो के बराबर है तो ये कंडीशन फॉलो हो गई, मतलब इसमें कंडीशन लग जाएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा? अतः x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस जेड क्यूब जो हो जाएगा वो 3xyz के बराबर होगा। x का मतलब माइनस 12 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 7 का क्यूब, ये हो जाएगा 5 का क्यूब, बराबर किसके होगा? 3 × −12 गुणा 7 गुणा 5, जब गुणा करोगे तो माइनस का 1260 आ जाएगा। यानी इसका जो है सीधे घन नहीं करना है, सर्व समका से हमको मान निकालना है, ये नोट कर लीजिए। समझ में आ गया ना? इतनी बात सभी को समझ में आई भाई? नोट हो गया सभी का? बताइए जल्दी से नोट कीजिए। ठीक, नोट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसका करते हैं। सेम बिल्कुल प्रोसेस यही है ना दूसरे वाले की, सेम बिल्कुल प्रोसेस। यहाँ पे लिख दे रहे हैं दूसरा पार्ट जो है हमारा क्या है, 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब हो गया, ठीक। मतलब जब ये जीरो के बराबर तो ये कंडीशन होगी, यानी एक्स जो आ जाएगा हमारा, एक्स क्या हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा हमारा माइनस 15 हो जाएगा, जेड हो जाएगा माइनस 13। जरा इनको ऐड करके देखो जीरो आ रहा है कि नहीं, तभी तो आगे कंडीशन लगेगी। तो 28 प्लस ये हो जाएगा y का मान माइनस 15 प्लस z का मान माइनस 13 बराबर जीरो, यानी 28 माइनस 15 माइनस 13 बराबर जीरो। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। माइनस का जोड़ोगे 28 हो जाएगा, प्लस माइनस कर जाएंगे, तो मतलब जब जीरो के बराबर हो गया तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी हमारी। तो यहाँ पर माइनस x का मान है माइनस, अरे कितना 28, इसका घन करोगे प्लस y का क्या है माइनस 15 है, इसका घन करोगे प्लस z क्या है माइनस का 13, इसका घन करोगे बराबर किसके होगा? 3 × a, a क्या है 28 गुणा b क्या है माइनस 15 गुणा c क्या है माइनस 13। अब जब गुणा कर दोगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगी, इसकी गुणा बताओ भाई कितनी आ गई, बताओ भाई कितनी गुणा आ गई इसकी, सोलह हजार 380 आ जाएगी। आई सभी की? गुणा कर लोगे ना आगे?
हाँ ठीक, चलो समझ गए कि नहीं, कर लोगे बिना मतलब घन नहीं करना, इसमें कहाँ दिमाग लगाओ, 28 का घन करो, गुणा करो 3 3 बार, ठीक है, कहाँ दिमाग लगाओ, सीधा फार्मूला रखो सरसों का, बस सीधे लगा लो, इतनी बात सभी को समझ में आए। ठीक चलो लग जाएंगे भैया क्वेश्चन, बताओ कोई समस्या यहाँ तक। नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया सभी का? ठीक चलो बहुत अच्छे, सभी बच्चे नोट कर लें, आज बस यहीं तक रखते हैं इतनी क्वेश्चन, ठीक है, फिर इसके आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं कल करा दिए जाएंगे क्लास में, ठीक, कल की क्लास में होगा। ठीक है, सभी का नोट हो गया, बताओ बच्चे। लग जाएंगे ना? ठीक है, तो बस इतने क्वेश्चन जो है करना है, ठीक, बाकी जो है जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करा दे देंगे, कल बता दिए जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक, बाकी अपना रिवीजन करते रहो भाई जो भी हो, ठीक चलो, ठीक है, इतना काम करो ग्रुप पे सर, थैंक यू।